ट्रांसफर पॉलिसी जिसका इंतजार प्रदेश के समस्त शिक्षकों को बहुत ही बेसब्री से था। आखिरकार मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 12 जुलाई 2021 को स्थानांतरण के संबंध में 10 बिंदुओं में अपनी विभागीय पॉलिसी जारी कर दी गई है, जिसका विषय है राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति। और इसमें भी जो संदर्भ दिया गया है वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 24 जून 2021 को जो स्थानांतरण नीति का आदेश जारी किया गया था, इसी आदेश का संदर्भ दिया गया है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के संबंध में 10 बिंदुओं में जो आदेश जारी किया गया है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसमें पहला जो बिंदु दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अनुसार स्थानांतरण नीति के पैरा क्रमांक 5 में अंकित शिक्षक संवर्ग से संबंधित समस्त स्थानांतरण आदेश विभाग के एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे एवं संबंधितों को एम शिक्षा मित्र ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अर्थात इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो ट्रांसफर आदेश जारी होंगे वो एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से जारी होंगे एवं शिक्षकों को अपने एम शिक्षा मित्र लॉगिन पर उपलब्ध होंगे। इसके दूसरे बिंदु के अनुसार शिक्षक संवर्ग के ऐसे कोई भी आदेश जो पोर्टल से जारी नहीं किए जाएंगे स्वतः प्रभाव शून्य होंगे। पद ग्रहण एवं पद मुक्ति संबंधी कार्यवाही भी अनिवार्यता पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। इसमें तीसरा बिंदु जो दिया गया है इसके अनुसार स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित रहेगी। जिला शिक्षा अधिकारी पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी को 3 दिवस में सत्यापित कर लें। इसके उपरांत त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा आदेश के लिए जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अर्थात रिक्त पदों की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी, जिसका सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को 3 दिवस में करना है। और यदि इसके उपरांत भी त्रुटिपूर्ण जानकारी या आदेश जारी होते हैं तो इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उत्तरदायी रहेंगे। इसके चौथे बिंदु के अनुसार जिला स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा कि पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी से भिन्न स्थिति होने पर तथा किसी शाला विशेष में रिक्त पद उपलब्ध न होने पर उस स्थान पर स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी। आदेश में पांचवा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार विशिष्ट प्रकार की शालाएं जैसे सीएम राइज योजना के अंतर्गत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल के पद ब्लॉक किए जाएंगे। इन विद्यालयों में स्थानांतरण के माध्यम से पद स्थापना नहीं की जाएगी। यदि किसी जिले द्वारा इन विद्यालयों में स्थानांतरण द्वारा पदस्थापना की जाती है तो ऐसे स्थानांतरण आदेश स्वतः शून्य माने जाएंगे। अब इसमें छठवां बिंदु कि यदि किसी कर्मचारी के 2 आदेश जारी हो चुके हैं, एक जिला स्तर से और दूसरा राज्य स्तर से, तो इस संबंध में भी जानकारी दी गई है। इसके अनुसार किसी शाला या कार्यालय में किसी रिक्त पद पर जिले एवं राज्य दोनों स्तर से स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने की स्थिति में राज्य स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश प्रभावशील होगा एवं जिले स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश स्वतः प्रभाव शून्य माना जाएगा। आदेश के 7वें बिंदु के अनुसार समान प्रशासन विभाग की नीति कंडिका 20 अनुसार स्वयं के व्यय पर एवं परस्पर स्थानांतरण हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के सत्यापन उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 18 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत करने होंगे। विकलांगता की स्थिति अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित अथवा विशेष परिस्थिति में शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन डाक के माध्यम से अथवा किसी भी स्तर पर सीधे कार्यालय पर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। संबंधित कार्यालय उसे यथा स्तर पर प्रेषित करेगा। आदेश के 8वें बिंदु के अनुसार जिला स्तर पर निराकृत होने वाले आवेदनों को छोड़कर शेष आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण कर संवर्गवार नियत प्रारूप में सूचीबद्ध कर एक्सेल फाइल व हस्ताक्षरित पीडीएफ में आयुक्त लोक शिक्षण को दिनांक 19 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किया जाएगा। आदेश में जो 9वां बिंदु दिया गया है इसके अनुसार यदि कोई कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत है और वो ट्रायवल में अपनी पदस्थापना चाहते हैं तब इस संबंध में जानकारी दी गई है। इसके अनुसार यदि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत कोई शिक्षक जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत संचालित शालाओं में पदस्थापना चाहते हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिया गया है में निहित प्रावधानों के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होंगे।
अर्थात इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कोई शिक्षक कार्यरत है और वो जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत संचालित किसी शाला में पदस्थापना चाहते हैं, तब ऐसे शिक्षकों को केवल प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है और इसके लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा ही जारी होगी। आदेश का 10वां और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि संबंधित जिले द्वारा जिले के अंदर किए जाने वाले स्थानांतरणों पर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने की कार्रवाई दिनांक 25 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक पूर्ण की जाकर स्थानांतरण आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी कर दिए जाएं। दिनांक 31 जुलाई 2021 को रात्रि 12 बजे स्थानांतरण हेतु पोर्टल लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति के संबंध में 10 बिंदुओं में अपना आदेश जारी किया गया है। अब कर्मचारी इन बिंदुओं के आधार पर अपने स्थानांतरण का आवेदन प्रेषित कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें समय सीमा का बहुत अधिक ध्यान रखना है क्योंकि समय सीमा इसमें बहुत ही कम दी गई है। तो ये थी प्रदेश के शिक्षकों के स्थानांतरण नीति के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।